high voltage drama is currently underway at the delhi chief minister's residence there are huge protests that are taking place which have been staged by the women workers of the bjp against the allegations by swati maleval against the pa of arvind kejriwal meanwhile the aam party has now issued a response wherein they have revealed that bibhav kumar the close aide of arvind kejriwal has in fact assaulted

आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कितना बड़ा खतरा है महिलाओं के लिए दिल्ली में आज इसी से स्पष्ट होता है और अब तो जो राज्यसभा सांसद है उनके कुछ परिवार के जानकार कुछ लोग जो है उन्होंने भी ये शंका प्रकट की है कि इतने घंटों से वो चुप है क्योंकि पहले दो कॉल हुई दोनों कॉलों में सारी सच्चाई बाहर आ गई उसके बाद उन्होंने कहा सिविल लाइंस पुलिस थाने में कि मैं शिकायत करने आऊंगी पर उसके बाद मीडिया के साथ ही बताते हैं कि वो किसी के कम्युनिकेशन में नहीं है जो व्यक्ति इतना बोलती है प्रखर होकर अलग अलग विषयों पर अपने विषय पर चुप हो गई तो उन पर निश्चित कोई दबाव है जान पर शायद खतरा भी हो सकता है पता नहीं मुझे ऐसी आशंका उन्हीं के करीबी आजकल प्रकट कर रहे हैं आवास के अंदर ये घटना घटी है मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे तो मुख्यमंत्री सामने आके अपनी चुप्पी तोड़े उन्होंने चुड़िया क्यों पहन रखी हैं जवाब दें कि उनके घर में जो घटना घटी है उसके लिए दोषी कौन है क्या कार्रवाई कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जवाब दें पचास घंटे होगा इस घटना को घटे हुए कितना टाइम लगता है संज्ञान लेने में जी एक फोन करना है पुलिस को शिकायत करनी है लेकिन खुद क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने ये घटना घटी है और वो खुद संदेह के घेरे में है इसीलिए अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है महिलाओं पे अत्याचार करती है अरविंद केजरीवाल देश की जनता को बताएं कि 13 मई को सीएम हाउस में जो बदनाम घटना हुई है उसका काला सच क्या है पिछले 48 घंटे से महिलाएं अरविंद केजरीवाल से यही सवाल पूछ रही हैं और सभी सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम हाउस में आखिरकार एक महिला के साथ मार पिटाई कैसी हुई ये अलग बात है कि वो मौजूदा तौर में सांसद हैं और उनकी पुरानी सहयोगी हैं और करीबी हैं अभी तक अरविंद केजरीवाल सुल्तान साहब चुप्पी क्यों साधे हैं आप क्या स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष है राज्यसभा में सांसद है और उनके प्रति जब कोई अत्याचार होता है तो स्वाभाविक रूप से हम चाहेंगे कि एक एफआईआर दर्ज हो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए सुरक्षित रहना चाहिए आपकी खुद की राज्यसभा सांसद आपके दल में सुरक्षित नहीं है इतना अफसोसजनक टिप्पणी है कि जब शोषण होता है और वो भी आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द और वो चुप करते हैं एक सक्षम महिला को और कहते हैं कि आप एफआईआर दर्ज मत कीजिए ये आपको उनकी मनस्थिति की बात दर्शाती है और हमें पता चलता है कि दाल में कुछ काला है 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को मौन साधे हुए उन्हीं के ऑफिशियल आवास पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओ ने बदतमीजी करी है स्वाति मालेवाल जी से जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। मैं तो मैं क्या कहूँ मैं शॉकड हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है कल संजय सिंह जी ने ये बात पुष्ट कर दी कि वाकई में ऐसी घटना हुई है अब ये घटना स्पेकुलेशन के रल में नहीं है उन्होंने खुद आकर ये बता दिया कि ये घटना सच है तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर और अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल निंदा करी है अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.